अब दोस्तों विंडोज 11 का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है 24S2, जिसमें काफी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। बट दोस्तों ये जो अपडेट है वो कैनरी चैनल के लिए अवेलेबल है और कैनरी चैनल में आपको कई सारे बग देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये अपडेट अभी बीटा टेस्टिंग में है। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इस अपडेट को ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग टेक्निकल वीडियोस आती रहती हैं। सो दोस्तों अपडेट के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग में जाना पड़ेगा। दोस्तों सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए आप टाइम एंड डेट वाले सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पर आप रीजन को सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे रीजन सेट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है विंडोज अपडेट वाले सेक्शन में। आपको नीचे आना है और सबसे पहले विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। इसके बाद दोस्तों गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लिंक करना है। लिंक अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये साइन इन विंडो आ जाएगी। हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लेकर कंटिन्यू करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने कोई भी अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का नहीं बनाया है तो क्रिएट वन पे जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमने साइन इन कर लिया है और अब यहाँ पे मेरा अकाउंट लिंक हो रहा है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लीजिए। अगेन हम टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है। हम रीस्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया है। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप सेटिंग में चले जाइए। इसके बाद दोस्तों आपको विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है। अब यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये फिर भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है तो आपको नीचे विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको विंडोज़ इनसाइडर सेटिंग्स में से चैनल्स को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों जब आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम की सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो कैनरी चैनल है, कैनरी चैनल में आपको अनस्टेबल अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे डेव चैनल, जिसमें स्टेबिलिटी लो होती है। इसके बाद आता है बीटा चैनल, जहाँ पे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम को। तो अगर आप नए फीचर्स को ट्राई करने के शौकीन हैं तो आप कैनरी चैनल के साथ जाइए, और अगर आप कम बग को फेस करना चाहते हैं तो आप डेव चैनल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप इस इनसाइडर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कुछ इस तरह का एरर आपको देखने को मिलता है, योर PC डज नॉट मीट मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज 11। अब दोस्तों अगर आपको भी कुछ इस तरह का एरर आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अनऑफिशियल तरीके से इस इनसाइडर प्रोग्राम को अपने PC में इंस्टॉल कर पाएंगे। आप सबसे पहले अपने ब्राउजर में आके सर्च कीजिए विंडोज 11 डाउनलोड। अब ये जो पहला लिंक है आप इस पे चले जाइए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन हो। मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद जाना है आपको विंडोज इनसाइडर प्रीव्यू में। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिखाई देगा विंडोज 10 11 इनसाइडर प्रीव्यू। हम इस पे चले जाएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एडिशन का। आप यहाँ से विंडोज 11 प्रीव्यू का कैनरी चैनल वाला बिल्ड सिलेक्ट कर लीजिए, जिसका बिल्ड नंबर है 26058। अब ये डेव चैनल पे भी अवेलेबल है, बट हम यहाँ से इसका कैनरी चैनल सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद आप इसे कन्फर्म कीजिए। अब यहाँ से आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को ले लेते हैं। इसके बाद हम इसे कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसकी 64-bit की ISO मिल जाएगी। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ अप्रॉक्स 5GB होगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम एक और यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेते हैं। इसका नाम है रूफस। इस यूटिलिटी के हेल्प से हम बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं
और हम इसका लेटेस्ट वर्जन 4.4 डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों, जब ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएं, तो आपको रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, जब रूफस सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, उस टाइम पे आपको अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। जैसे ही आप अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे, ये यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे इसने मेरी 64GB की पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे बूट सिलेक्शन वाले ऑप्शन में से सिलेक्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ISO को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल ये मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में अवेलेबल है, तो हम इस ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये ऑप्शन विंडोज 11 की जो रिक्वायरमेंट है, उन्हें रिमूव करने के लिए हैं। जैसे कि आपके सिस्टम में 4GB रैम, सिक्योर बूट और TPM जैसे ऑप्शंस नहीं हैं, तो ये पहला वाला ऑप्शन उन रिक्वायरमेंट्स को रिमूव कर देगा। और ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर देगा। तीसरे वाले ऑप्शन की मदद से जो आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, वो क्रिएट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन रीजंस को सिलेक्ट कर लेगा। और फिफ्थ ऑप्शन डाटा प्राइवेसी के लिए है। इसके बाद हम इसे ओके करते हैं। अगेन हम ओके करेंगे और अब हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो हमें वेट करना है। अब दोस्तों, ये पेन ड्राइव बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस यूटिलिटी को क्लोज कर देंगे और अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। अब हम दोस्तों अपने बूट की को प्रेस करके पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम अगेन नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉल विंडोज 11। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके हम अगेन नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की मांगेगा, हम डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से विंडोज 11 का एडिशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे, जिस भी पार्टीशन में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही टाइम में विंडोज इंस्टॉल होके रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कीजिए और कुछ ही टाइम में आपकी विंडोज इंस्टॉल होकर रेडी हो जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।